विश्ववासियों, आप लोग काफ़ी दिन पहले से ही देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि समय समय पर हम लोग ईसाइयों को, पादरियों को, जो अपने को पास्टर कहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से वार्ता करते हैं और कैसी मूर्खता की बात वो लोग करने लगते हैं और अपनी कमज़ोरी बताते हैं और कितनी शान मानते हैं उसे कि हज़रत ईसा मसीह को वो पवित्र आत्मा ने वो आत्मा को डाल दिया माता मरियम के उदर में। अच्छा, ये गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात को बताने में, लेकिन कभी भी ये विचार नहीं करते कि ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है कि जो पास्टर ये बता रहे हैं कि माता मरियम के उदर में पवित्र आत्मा ने, यानी पवित्र आत्मा यहोवा, और पवित्र आत्मा को उनके उदर में डाल दिया। क्या ये पादरी के बेटी, यानी पादरी की बेटी अगर इस तरीके से कोई संतान को जन्म दे, क्या वो समाज में उसे ले आएंगे, समाज में उसको बाहर करेंगे, या समाज वाले उनको अच्छे नज़र में देखेंगे? समाज में कोई भी अच्छी नज़र से उनको देखा नहीं जाएगा। तो ये बेतुकी बातें, जो विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध बातें हैं, ये कभी भी सोचते नहीं है। लेकिन बात केवल बाइबल की नहीं है, यही बातें कुरान की भी है। कुरान में भी यही किस्सा आया है कि मरियम नहा रही थी किसी पेड़ के आड़ में, तो अल्लाह ने भेज दिया जिब्रील को, जिब्रील गया तो मरियम देख करके बोले, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बद नहीं हूँ, क्यों आ रहे, अल्लाह के नाम से रहम करो मेरे ऊपर। तो जिब्रील ने बताया, अरे मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, मैं तुम्हें एक संदेशा देने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा पेट में एक बच्चा होने वाला है। मरियम कहने लगी कि कहाँ मेरे पेट में बच्चा, मैं तो कुमारी हूँ, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो चाहेंगे हो जाएंगे। ये कुरान में एक दो जगह नहीं, अनेक बार बोला गया है कुरान में। और अल्लाह जो चाहेंगे, अल्लाह कैसे चाहेंगे, तो उसके लिए सूरा 91 आयत नंबर, सूरा अंबिया आयत नंबर 91 में अल्लाह ने बोल दिया, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबना आयात लिलआलमीन। अब कुरान और बाइबल दोनों को मिला करके देखिए कि बात किन की सच्ची है, और दोनों ही झूठ का पुलिंदा है, दोनों ही विज्ञान विरुद्ध है, दोनों ही मानवता विरुद्ध है, और दोनों ही सृष्टि नियम विरुद्ध है। और ये ईश्वर के जिम्मे में ये काम नहीं हो सकता, ईश्वर का ऐसा काम ही नहीं है, ईश्वर इस काम को नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के जिम्मे में काम क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा, उसको जाने बिना कोई भी काम ईश्वर के नाम से हो जाना, ईश्वर के नाम से बता देना, ये मानवता पर कुठाराघात है। इसी बात को हमारे गणेश दास जी आप लोगों को सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आ रही है। हाँ जी नमस्ते, मैं YouTube से मिला था आपका नंबर, पास्टर साहब। हाँ जी, YouTube से मिला था आपका नंबर। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आसाम से बोल रहा हूँ। ठीक है जी जी, मैं कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका प्रचार, और मैं थोड़ा प्रभावित भी हूँ जी, इसलिए दो एक मतलब बातें आपसे जानना चाहता हूँ मैं जी। जी ये मतलब थोड़ा बात है, मुझे आप समझा देंगे थोड़ा? अभी आज तो संडे है, मीटिंग चल रही है, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है।
हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैथ्यू 1:18-23 में लिखा है कि मरियम की मंगनी हो गई, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई, ये देख के यूसुफ ने त्यागना चाहा था। तो बाद में प्रभु के स्वर्गदूत ने स्वप्न दिखलाया कि मरियम को मत त्यागो, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई है जी, हाँ जी, इसी 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 को थोड़ा आप मुझे समझा देते तो। बिल्कुल बिल्कुल। जो मरियम थी ना, वो जी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ ठहरा था उनको, क्या जी 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 वो किसी इंसान से पैदा नहीं हुए प्रभु यीशु मसीह, वो जी मरियम के जी पवित्र आत्मा खुद उनके गर्भ में आ गया, जी ठीक है ना। जी हाँ, ये इसीलिए है ना, वो यीशु है, प्रभु है, वो बचाने के लिए, हमारे छुड़ाने के लिए जी आया, ठीक जी है। हमारी पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आया ना। हाँ, बस वो पवित्र था ना, इसीलिए वो पवित्रता ही से जन्म लिया, ठीक है ना, बंदे जी, नहीं से जन्म पास्ट, नहीं लिया। हाँ पास्टर साहब, अगर हमें कोई पूछे इस हाँ जगह पे, जो उस सृष्टि में, अगर मैं तो बहुत प्रभावित हूँ क्रिश्चियनिटी से, अगर मुझे कोई पूछे जो उस सृष्टि में तो पुरुष भी थे नारी भी थे, तो उस सृष्टि में अगर पुरुष नारी दोनों ही थे तो पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे गर्भवती हो गई, तो उसका जवाब क्या होगा? हाँ, प्रभु है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। उसने बोला कि धरती बन जाए, वो बन गई, कैसे बन गई ये हम नहीं जानते ना, उसने बोला है, उसके शब्दों में पावर है, तो उसने बोला कि मरियम गर्भवती हो जाए तो हो गई। जी, तो बाइबल का ईश्वर क्या ये निराकार है या आकार है उसका? कोई निराकार कोई आकार नहीं है उसका, ठीक है ना। है तो। हाँ, हाँ, तो आदि में जो परमेश्वर ने आकर, जो धरती है उसके पांव रखने की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, ठीक है ना। जी जी तो जी जी उसका जी जी कोई जी आकार नहीं, कोई ठीक है ना, शक्ल नहीं है, प्रभु को नाम देख सकते हैं, ठीक है, वचनी परमेश्वर है, ठीक है। जी। चलो ठीक है भाई, नहीं ओके। रुकिए रुकिए, थोड़ा टाइम रुकिए। नहीं, अभी अभी टाइम नहीं अरे है ना, ना, मीटिंग मीटिंग एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, ताकि मैं दो एक सवाल क्लियर कर सकूं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैथुनी सृष्टि जहाँ पुरुष और नारी भी थी, है ना, पुरुष भी थे नारी भी थे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती कैसे हो गए, उसका प्रोसेस क्या था, इसी को जरा क्लियर कर दीजिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा बात करेंगे ना, जब नहीं आप मैं काम करेंगे। सुनिए 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 पास्टर साहब, मेरी बात सुनिए आप, ऐसा कॉल काट के, ये मेरी बात सुनिए, ये ये पहला कॉल मतलब रिकॉर्डिंग मैंने हो रही है, ये कॉल मैं यूट्यूब पे डालूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, क्या, ये कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे डालूंगा मैं, आप इसका अच्छा उत्तर दीजिए। ठीक है, मैथुनी मेरी सिस्टम मेरी में बात जहाँ पुरुष सुनिए। भी थे नारी भी थे, वहां मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती कैसे हो गई, इसका अच्छा, आंसर चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये जी प्रेयर टावर का नंबर है, ठीक है, इस पर सिर्फ प्रार्थना की जाती है, और ठीक है ना। नहीं, जो भी की